तहखुन दिए कि तमाम ऑटोओं को छोड़ देंगे, मगर एक शर्त के ऊपर, ये लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस कल जाकर सलाट बुक कराकर और लाइसेंस बना लेना बोलकर बताएं। शरत सदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब राजेंद्र नगर के ट्रैफिक के ACP बालाजी साहब से मुलाकात किए, जो कि आज सुबह से आरामगढ़ चौरस्ते के ऊपर तकरीबन 15 ऑटो वालों को पकड़ा गया और उनके ऑटोओं को भी रोक लिया गया, जो कि वो गरीब लोग है और किराए पे ऑटो लेकर चलाते हैं। तो इस ताल्लुक़ से सदर मोहतरम नखवी मिलत अलहाज बरेशर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पुलिस के आला अहदेदारों से भी बात किए। अब मैं यहाँ पर ACP साहब से आकर मिला और ACP साहब तहखुन दिए कि तमाम ऑटोओं को छोड़ देंगे, मगर एक शर्त के ऊपर, ये लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस कल जाकर सलाट बुक कराकर और लाइसेंस बना लेना बोलकर बताएं। तो उस ताल्लुक से तफसीली बात की गई यहाँ पर। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा गरीबों के साथ है, गरीबों के ऊपर जब कभी भी जुल्म होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नखीबे मिलत अलहाज बरेशर असदुद्दीन अवैसी साहब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। तो आज भी तकरीबन 15 ऑटो वालों के ऑटोओं को भी यहाँ से छोड़ दे रहे हैं। तो मैं इस मौके के ऊपर यही बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के लिए काम करती है, आवाम की तकलीफ़ जहाँ आवाम को तकलीफ़ होती है तो बराबर वहाँ पर जाकर आवाम की तकलीफ़ में ठहर कर उनकी तकलीफ़ दूर करती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो आज की ये डिटेल रिपोर्ट सदर मोहतरम नखीबे मिल्लत अलहाज बरेशर असदुद्दीन अवैसी साहब को पेश की जाएगी।